वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी आशिका शरीजा। सो आज मैं आपको कराने वाली हूँ रीवैल्यूएशन ऑफ असेसमेंट्स एंड लायबिलिटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर आपकी जर्नल एंट्रीज भी कवर हो जाएगी एंड रीवैल्यूएशन रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पूरे वीडियो को देखना, अगर आपने पूरे वीडियो को देख लिया तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं सब अच्छे से करने आ जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹10,000, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 50,000। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है कि हमारा जो फर्नीचर है, ठीक है, उसकी बुक वैल्यू लिखी हुई है 50,000 की, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्नीचर की वैल्यू हम लोग को 10,000 से इंक्रीज करनी है। देखो बाय और टू में डिफरेंस होता है, यहाँ पे आप एडजस्टमेंट्स में गलती करोगे। जनरली बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा होता है, कभी कभी लिखा होता है फर्नीचर वैल्यू इज़ टू बी इंक्रीज्ड टू 10,000। टू 10,000 यानी कि 50,000 से डायरेक्ट आप इसको ला दो 10,000 पे, ठीक है, ये होता है टू 10,000। और बाय मतलब कि 50,000 में 10,000 उसकी वैल्यू बढ़ा दो, ठीक है। सो इसमें लिख दो प्लस 10,000, ठीक है। सो अगर हम लोग को यहाँ पे टू 10,000 लिखा होता, द फर्नीचर वैल्यू इज़ इंक्रीज टू 10,000, सॉरी द फर्नीचर वैल्यू इज़ टू बी ब्रॉड डाउन टू 10,000, अगर ये लिखा हुआ होता तो हम लोग 40,000 का हमारा लॉस हो जाता। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फर्नीचर ऑफ वैल्यू इज़ टू बी इंक्रीज बाय ₹10,000, यानी कि 10,000 की वैल्यू हम लोग को उसकी इंक्रीज करनी है, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली। सो प्रॉफिट हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट हम लोग लिखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे और फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये हमारी हो गई फर्स्ट जर्नल एंट्री। और कितने से ऐड करनी है, 10,000 से, जितने अमाउंट से ऐड करना होता है या लेस करना होता है वही अमाउंट लिखते हैं, ओके। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड ₹40,000, यानी कि ये जो वैल्यू है फर्नीचर की, इसकी बुक वैल्यू भी दी हुई है 20,000 की, ठीक है। अब सेकंड है, बुक वैल्यू दी हुई है फर्नीचर की, ठीक है, 20,000 की। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ टू बी इंक्रीज्ड ₹240,000, यानी कि 40,000 नहीं बढ़ाना है, और ये जो वैल्यू है 20,000 उसको 40,000 तक लेके जाना है। अब 40,000 बढ़ाना और 40,000 तक वैल्यू लेके जाना डिफरेंस होता है। अगर आप 40,000 बढ़ाओगे तो फर्नीचर की वैल्यू हो जाएगी 60,000, अगर आप 40,000 तक लेके जाओगे तो हमारे फर्नीचर की वैल्यू 40,000 हो जाएगी, ओके। यानी कि 20,000 का प्रॉफिट हम लोग को होगा इसमें, क्योंकि पहले वैल्यू 20,000 थी, अब हम लोग को कहाँ तक लेके जानी है, 20,000 और ऐड कर, 40,000 तक लेके जानी है, तो 20,000 का हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सेम वही है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। थर्ड इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर हैज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू। बुक वैल्यू है फर्नीचर की 50,000, ठीक है, बुक वैल्यू 50,000 है, अब ये जो 50,000 है इसको हम लोगों को हमारी जो फर्नीचर की वैल्यू है वो 120% तक लेके जानी है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 50,000 × 120/100। क्यों, क्योंकि परसेंटेज तो हमेशा 100 ही होती है, नीचे हम लोग 100 लिखेंगे, और कहाँ तक लेके जानी है, 120 तक। सो 50,000 × 120/100 0000, ठीक है, 500 × 12 6,000, और ये हो जाएगा 60,000, ठीक है। सो हमारी बुक वैल्यू की फर्नीचर की वैल्यू जो है हम लोगों की थी 50,000, अब हम लोगों ने जब इसकी 120% तक लेके गए तो उसकी वैल्यू हो गई 60,000, ठीक है। सो पहले 50,000 थी, अब 60,000 वैल्यू हो गई, तो कितना होगा, 10,000 का क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। वही सेम फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टेंशन मत करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं वापस 5 एंट्रीज करने के बाद वापस एक बार आपको समझा दूंगी, ओके। फोर्थ इज स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 18,000, स्टॉक की बुक वैल्यू है 18,000 और ये अंडर वैल्यू कितने से है, 10% से।
अंडर वैल्यू मतलब क्या कि हम लोगों ने स्टॉक की वैल्यू 10% कम रखी है। ओवर वैल्यूड क्या होता है कि स्टॉक की वैल्यू हम लोगों ने 10% बढ़ा के रखी है। ठीक है, सो अगर हम लोग की स्टॉक की ये जो 18,000 है 10% कम लिखी है, तो यानी कि ये 90% वैल्यू होगी 18,000 वाली। ठीक है, सो स्टॉक में 18,000 की ये जो वैल्यू है वो है 90%। अगर हम लोग को 100% लानी है तो कैसे लाएंगे, 18,000 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इंटू 100 डिवाइड बाई 90 00 एंड हियर इट विल कम 20,000। सो ऐसे हम लोगों को करना होता है सॉल्व। क्या हुआ पता चला, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग को लिखा हुआ था स्टॉक इज़ टू बी अंडर वैल्यू, स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड बाई 10%, यानी कि हम लोग की जो बुक वैल्यू है वो हम लोगों ने 10% कम से लिखी है। ठीक है, सो हमारी बुक वैल्यू थी 18,000, सो 10% कम लिखी है यानी कि 90% लिखी होगी हम लोगों ने वैल्यू। सो अगर 18,000 की 90% वैल्यू है, 90% वैल्यू के 18,000 है, तो अगर हम लोग को 100% वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 18,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 90 किया, सो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 20,000 हो गई। ठीक है, अब 20,000 वैल्यू हम लोगों की करंट आई, 18,000 हमारी बुक वैल्यू थी, यानी कि 2,000 का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। सिमिलरली स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्रिएट कर देंगे, ओके डन। फिफ्थ इज स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, स्टॉक की वैल्यू हमारी ओवर वैल्यू हुई है, ओवर वैल्यू यानी कि 10% ज़्यादा से लिखी है, और इसकी बुक वैल्यू है 22,000। ठीक है, सो फिफ्थ का भी देख लेते हैं, स्टॉक बुक वैल्यू है 22,000। ठीक है, अब ये जो बुक वैल्यू 22,000 की है वो हम लोगों ने 10% ज़्यादा लिखी है, सो 100 प्लस 10 विल बी 110 की वैल्यू हुई है। अगर हम लोग को 100 के फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 22,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 110 00 11 वन 11 टू 200 इंटू 100 विल बी 20,000। ओके, सो पहले बुक वैल्यू थी हमारी 22,000 विच इज़ ओवर वैल्यूड थी, अब करंट वैल्यू हमारी 20,000, तो 22 माइनस 20 विल बी 2,000, तो 2,000 का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हम लोगों ने 2,000 से ज़्यादा बुक वैल्यू लिखी थी, बट एक्चुअली में उसकी वैल्यू कितनी थी, 20,000, तो हम लोगों को क्या होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। सो यहाँ पे लिख दो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 टू स्टॉक अकाउंट विच इज अगेन 2,000। मैं वापस से एक बार आपको समझा दे रही हूँ, फर्स्ट हमारा था कि हमारी बुक वैल्यू थी 50,000 की, और उससे हमें 10,000 से बढ़ाना था, 10,000 तक नहीं लाना था, 10,000 से बढ़ाना था, बाय मतलब कि 10,000 से बढ़ाना होता है। सो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, हम लोगों का 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि हम लोग 10,000 से बढ़ा रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है, इसलिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट लिख देंगे विद इज टू रिवैल्यूएशन, और फर्नीचर अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे 10,000 से। सिमिलरली हम लोग को सेकंड क्वेश्चन के अंदर दिखा हुआ है बुक वैल्यू है फर्नीचर की 20,000 की, एंड इसको हम लोगों को लिखा हुआ था टू ब्रॉट अप टू 40,000। सो ब्रॉट अप टू 40,000 यानी कि हम लोगों की 22,000 की वैल्यू थी, 40,000 तक लेके जाना है। सो पहले 20 थी, अब 40 हो गई, कितना प्रॉफिट हुआ 20,000 का। सेम फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, इसलिए यह जर्नल एंट्री हुई। थर्ड इज कि हमारी बुक वैल्यू थी 50,000 की, एंड यहाँ पे हम लोगों को लिखा हुआ था कि हम लोग को अपनी फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 120% तक लेके जानी थी, तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो 50,000 की वैल्यू है वो कितनी दी हुई होगी, 100 दी हुई होगी, तो अगर हम लोग को 120 फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 50,000 इंटू 120 डिवाइड बाई 100 किया, तो इसकी वैल्यू आ गई 60,000। पहले थी 50, अब आ गई 60, 10,000 से बढ़ गई, तो हम लोग क्या लिख देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फोर्थ है स्टॉक इज टू बी अंडर वैल्यूड, स्टॉक की वैल्यू हम लोगों ने अंडर वैल्यू लिखी हुई है, अंडर वैल्यू यानी कि कम लिखी हुई है, तो ये जो बुक वैल्यू थी उसकी 18,000 वो हम लोग की 90% ही लिखी गई होगी। ठीक है, सो 18,000 अगर 90 है तो हम लोग को 100 की वैल्यू निकालनी थी, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 18,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 90, सो आंसर आया 20। पहले थी 18,000 वैल्यू, अब हो गई 20,000, तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग को स्टॉक की वैल्यू दी हुई थी 22,000, एंड यहाँ पे लिखा हुआ था कि हम लोगों ने जो वैल्यू है वो ओवर वैल्यू करके लिखी है 10% से। सो हम लोगों ने क्या देखा कि 22,000 है ओवर वैल्यू, यानी कि 100 प्लस 10, तो 110 लिखी होगी उसकी वैल्यू, तो अगर हम लोग को 100 फाइंड करनी है तो हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 22,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 110, सो हमारा आंसर आया इसका 20,000।
पहले 22,000 थी, अब 20,000 हुई, सो कितना डिफरेंस आया 2,000 का, वैल्यू कम हुई, तो हम लोग क्या कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंस होगा। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 टू स्टॉक अकाउंट 2,000। ओके, नाउ सिक्स एडजस्टमेंट, द मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 25,000, बुक वैल्यू जो है वो स्टॉक की 20,000 है। बुक वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 20 है और मार्केट वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 25 है, यानी कि हम लोग को 5,000 का प्रॉफिट होगा अगर हम लोग वो चीज़ मार्केट में बेचेंगे तो। ठीक है, सो हम लोग को यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन का हमारा क्रेडिट होगा तो हम लोग जर्नल एंट्री में भी क्रेडिट करेंगे। 5,000 से प्रॉफिट होगा तो 5,000 का अमाउंट लिख दो। ओके, सेवेंथ, मशीनरी इज टेकन ओवर बाय एक्स फॉर 80,000, द बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 60,000। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक्स जो एक पार्टनर है हमारा, ठीक है, उसने हमारी मशीनरी ले ली 80,000 की, जिसकी वैल्यू कितनी थी 60,000 की। ठीक है, 80,000 में बेच दी, 60,000 की वैल्यू थी, 20,000 का प्रॉफिट, लिख दो मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। इसके नरेशंस भी लिखने होते हैं। ओके, एट, वन थर्ड ऑफ मशीनरी इज टेकन ओवर बाय वाइफ फॉर 30,000 एंड बैलेंस इज रिवैल्यूएड एट 57,600। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा एट्थ के लिए। वैल्यू है हमारी 72,000 मशीनरी की वैल्यू, अब इसका वन थर्ड जो है 72,000 का वन थर्ड अगर हम लोग निकालें सो इट विल बी 24,000 इसका वन थर्ड होगा। ठीक है, अभी से 24,000 है वन थर्ड, उसकी वैल्यू वायर लेके गया है 30,000 की, मतलब ये जो वन थर्ड है ना ये हमारा वायर लेके गया है 30,000 की। अगर हम लोग बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो वन थर्ड की वैल्यू निकलती है 24 की। ठीक है, सो अगर 24 है और वो उसको हम लोगों ने दिया 30,000 में तो हम लोग को 6,000 का प्रॉफिट होगा, तो पहले वो लिखेंगे हम लोग, क्या है हमारी मशीनरी है ना, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना सा है, 24 वैल्यू थी, 30 में लेके गया, 6,000 का प्रॉफिट। उसके अलावा भी लिखा हुआ है कि बैलेंस, जो बैलेंस बचा 72,000 में से 24 चला गया तो कितना बचा, 48,000। बैलेंस बचा हमारा 48,000 और उसको रीवैल्यू किया तो उसकी वैल्यू आई 57,600। ठीक है, 57,600 इसकी वैल्यू आई, जबकि उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू आई इसकी 57,600 और इसकी बुक वैल्यू बची थी 48,000। सो बैलेंस कितना बचा, 9,600 से उसकी वैल्यू जो है बढ़ी हुई है। ठीक है, सो सिमिलरली हम लोग वही करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फिर से आप मर्ज करके भी लिख सकते हो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, आप ये एंट्री भी लिख सकते हो एज वेल एज आप इन दोनों का सम करके विच इज 15,600 और 15,600 ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, ये जो है ये फर्नीचर लेके जा रहा है तो हम लोग उसके अकाउंट को कर देंगे डेबिट, बिकॉज वाई इज रिसीवर टू वॉट गोज आउट मशीनरी अकाउंट। ओके, सो वाई इज कैपिटल अकाउंट 30,000 टू मशीनरी अकाउंट विच इज 30,000। ओके, नाइन्थ, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 इज टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। यानी कि हम लोगों ने जो इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट लिखा हुआ था, जो हम लोगों ने डेबिट कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, उसमें से हम लोगों को 5,000 जो है नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है। सो यहाँ पे हम लोग को होता है प्रॉफिट, सो यहाँ पे आप लिख दो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम और वी कैन से इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना लेके जाना है 5,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट विच इज 5,000। ओके, नाउ एक्सपेंसेस ऑन द रिवैल्यूएशन अमाउंट 25,000 पेड बाय एक्स। एक्सपेंसेस जो हुए थे 5,000 के वो किसने के पे किए, एक्स ने पे किए, सो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे हम लोग एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। ओके, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
5000 और पे किसने किए, एक्स ने, तो लिख देंगे 2x कैपिटल 5000. ओके, लास्ट जर्नल एंट्री, अ डेटर हुज ड्यू ऑफ 14000 वर रिटन ऑफ बैड डेब्ट्स पेड 10000 इन फुल सेटलमेंट. सो यहाँ पे दो जर्नल एंट्री होगी, एक होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है, यानी कि कैश हमारे बिजनेस के अंदर आया तो इसलिए हम लोग उसको डेबिट कर देंगे टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट. और दूसरी जर्नल एंट्री होगी हमारी 11th का भी है, ओके, 11th का ए वाला मैंने बता दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू रिकवर्ड बैड डेब्ट्स अकाउंट. ओके, इसमें अगर हम लोग लिख देंगे बी वाले में, हम लोगों ने जिसको बैड डेब्ट समझ लिए थे, हम लोगों ने जिसको बैड डेब्ट समझ लिए थे 11000 के, उसने 10000 जो है पे कर दिए, ठीक है, सो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा. हम लोगों ने सोचा कि 11000 तो आएंगे ही नहीं, बट एक्चुअली में वो 10000 आ गए, 11000 में से एटलीस्ट 10000 तो आ गए, तो हमारे पास क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट में हम लोग किसको क्रिएट करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट को, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट 10000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10000. ओके, सो वापस मैं आपको बता देती हूँ सारी की सारी एंट्रीज, मैंने 5 एंट्रीज ऑलरेडी करा दी है. अब हम लोग करते हैं 6th एंट्री की बात, जिसमें हम लोग को बुक वैल्यू दी हुई थी 20000 की और मार्केट वैल्यू थी इसकी 25000. सो ऑब्वियसली हम लोग अगर कोई भी उस चीज़ को बेचेंगे, यानी कि स्टॉक को बेचेंगे, तो हम लोग को 5000 का प्रॉफिट होगा. सो हम लोगों को प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रिएट करते हैं. सो जर्नल एंट्री में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दिया और स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर दिया, और कितने अमाउंट से प्रॉफिट होगा, 5000 से. ओके, सो हमारी एंट्री क्या हुई, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5000. उसके बाद वाली एंट्री थी हमारी, एक्स जो है वो एक मशीनरी को लेके गया है 80000 में, जबकि उसकी बुक वैल्यू थी 60000 की, तो हमारे को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ. तो हम लोग क्या लिख देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट 20000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20000, क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट हुआ. ओके, एंड सिमिलरली अगर हमारा एक्स जो है वो लेके गया है, तो उसकी भी एक जर्नल एंट्री करेंगे, विच इज एक्स इज रिसीवर. सो क्या लिख देंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट, मशीनरी अकाउंट. सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और कितने की वैल्यू में लेके गया है, 80000. तो उधर हम लोग को वैल्यू क्या लिखनी है, 80000 की. ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग मशीनरी अकाउंट के बाद में. यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारी 72000 मशीनरी का वैल्यू है, उसमें से 1/3 वाई लेके गया, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 72000 का 1/3 निकाला, विच इज़ 24000. अब वो जो 24000 की वैल्यू थी, उसको वो 30000 में लेके गया है, तो हम लोग को 6000 का प्रॉफिट होगा. तो हम लोगों ने क्या लिखा, मशीनरी अकाउंट डेबिट 6000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6000. उसके बाद उन लोगों ने लिखा हुआ था कि जो भी बैलेंस बचा, विच इज़ 48000, ठीक है, उसको अगर हम लोगों ने रिवैल्यू किया, तो हमारी वैल्यू आई 57600, यानी कि पहले इसकी बुक वैल्यू थी 48000, रिवैल्यू करने के बाद इसकी वैल्यू आई, विच इज़ मार्केट वैल्यू 57600. तो हम लोग को यहाँ पे भी सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ 9600 का. सो हम लोगों ने फिर से लिख दिया, मशीनरी अकाउंट डेबिट 9600 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 9600. अब आप इसको मर्ज करके क्या लिख दोगे, इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करके, मशीनरी अकाउंट डेबिट 15600 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15600. और इसकी दूसरी एंट्री भी होगी, क्योंकि वाई हमारा मशीनरी लेके गया है, कितने की लेके गया है, 30000 की लेके गया. सो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 30000 टू मशीनरी गोज आउट, विच इज 30000. उसके बाद हम लोगों को लिखा हुआ था कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, जिसका अमाउंट हम लोगों ने हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट कर दिया था, उसको हम लोग को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना है. तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग का क्या होगा, प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट को हम लोग करते हैं रिवैल्यूएशन में क्रेडिट. सो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट विच इज 5000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5000. ओके, उसके बाद लिखा हुआ है कि जो एक्सपेंसेस हुए थे वो एक्स ने पे किए. सो एक्सपेंस में हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किसने पे किया, एक्स ने पे किया, तो 2x कैपिटल अकाउंट. ओके, उसके बाद हम लोगों को लिखा हुआ था कि हम लोगों को जो भी हम लोगों ने बैड डेब्ट्स मान लिए थे 11000 के, वो हम लोगों को रिकवर हो गए 10000 में. अब हम लोगों ने सोचा कि भाई 11000 के 11 पूरे नहीं आएंगे, बट उसमें से 10000 आ गए, बस 1000 नहीं आया, ठीक है. सो हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट विच इज 10000 टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 10000. और सेकंड एंट्री क्या होगी, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए क्रेडिट किया बिकॉज हम लोग को 10000 का प्रॉफिट हुआ. ओके, सो आई होप आपको ये जर्नल एंट्रीज अच्छे से समझ में आ गई होगी. एक एक एडजस्टमेंट मैंने दो दो बार एक्सप्लेन किया है, एंड फिर भी अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.